नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC द्वितीय वर्ष को लेकर। BSTC द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है प्रथम, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य और मूल्यांकन के तरीके को लेकर है। और इसी प्रथम इकाई के अंतर्गत हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है भाषा शिक्षण संकेतक कक्षा 3 से 5। कक्षा 3 से 5 में भाषा शिक्षण के संकेतक कौन कौन से हो सकते हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हम जिस मुख्य शिक्षण बिंदु को लेकर हम इस शिक्षण बिंदु की चर्चा करेंगे, इसमें जो चर्चा करने वाले हैं तो वह है सुनना और बोलना। सुनना और बोलना कौशल के अंतर्गत हम कौन कौन से संकेतकों को बालकों को सिखा सकते हैं, तो इस बारे में साथियों पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने 5 संकेतकों को लेकर चर्चा की थी और शेष रहे संकेतकों पर आज के इस प्रकरण के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। बिंदु नंबर 6, संकेतक नंबर 6, रोचक कहानी कविता आदि को सुनकर अपने अनुभव में वृद्धि करना। बालक यहाँ पर क्या करेगा, जैसे हम कौशल के बारे में बात करें सुनना, तो बालक किसी कविता किसी कहानी और जिसकी रोचकता जुड़ी हो वो इस आयु में आकर बालक अपनी रुचि के अनुसार की कविता और कहानी को सुनना पसंद करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बालक किसी रोचक कहानी या फिर किसी कविता को सुनकर अपने जो दैनिक जीवन के अनुभव होते हैं उन अनुभवों में वृद्धि करेगा। बिंदु नंबर 7, सुने गए अनुभव सुने गए भावों एवं विचारों पर चिंतन करना। कविता या कहानी के माध्यम से उसने जिस किसी भी भाव या विचार के बारे में पढ़ा है सुना है या उस कहानी में निहित केंद्रीय भाव को ग्रहण किया है उस पर विचार, तो उस या किसी विचार को पढ़ा है कवि के द्वारा लेखक के द्वारा कहानीकार के द्वारा किसी कहानी विषय में दी गई शिक्षा या नैतिक शिक्षा जो दी गई है उस बारे में वो बालक चिंतन करेगा, उस पर विचार करेगा कि ये बात दी गई है इसमें सत्य है और जो नैतिक बातें हैं उन पर बालक विशेष तौर पर विचार करेगा और उनका अनुसरण करने का प्रयास भी करेगा। और वो इसलिए चिंतन करेगा कि क्या मुझे इनका अनुसरण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है सहज रूप से अपनी बात कह पाना। जब उसने सुनना कौशल किसी की बात को दीर्घ रूप सुन लेता है समझता है उस पर चिंतन करता है मनन करता है तो वो मान लो कि किसी के द्वारा सुनी गई बात है या किसी के द्वारा कही गई बात है उसको सुनकर अपनी बात को बड़े ही सहज रूप में बड़े ही सहज और सरल तरीके से अपनी बात को अगले व्यक्ति को कह सके उन्हें अपनी बात को समझा सके। ये भी एक बोलना कौशल के अंतर्गत एक अपनी अभिव्यक्ति को विकसित करना है। अगला बिंदु है परिस्थिति एवं अवसर के अनुरूप अपनी बात कह पाना। अपने नवा बिंदु कहता है कि बालक किसी परिस्थिति विशेष अथवा किसी अवसर विशेष पर अपनी जो बात है उसके मन में जो बात है या उसके मन में उठने वाले जो विचार है वो बात को एक कह सकते हैं कि अपनी बात को एक अवसर देखकर अपनी बात कह सकते हैं। या तो किसी परिस्थिति में हमें बात कहनी है तो वो बात बिल्कुल एक सामान्य रूप में कह पाएगा सहज रूप में कह पाएगा या फिर किसी परिस्थिति बस बात या फिर किसी अवसर को देखकर अवसर की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए भी अपनी बात कह सके। इस प्रकार का अवसर हमें विकसित करना होगा। अगला बिंदु 10,
सशक्त रूप से अपनी बात कह पाना। साथियों, बालक में इस प्रकार की अभिवृद्धि भी हमें करनी होगी कौशल के रूप में कि वो अपनी बात सशक्त रूप से अपनी बात कह पाए। जब किसी बात को कहने का उसे अवसर मिलेगा, किसी विचार विशेष पर, किसी बिंदु विशेष पर या किसी कक्षा में कुछ अंदर ही सामान्य चर्चा पर, तो अपनी बात को एक प्रभावी रूप में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बात को सहज शक्ति से उस बात को कह पाएगा, जिससे कि उसका भाषाई कौशल विकसित होगा। अगली बात, अगला जो बिंदु है सत्य ज्ञान, बोलने की शिष्टाचार का पालन करना। बिल्कुल सत्य है साथियों कि हमें बालकों में बोलने का कौशल विकसित करना है और निश्चित रूप से करना है, लेकिन बोलने का भी अपना एक शिष्टाचार होता है। तो वो शिष्टाचार से जुड़े हुए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से आदर्श वाक्य हो सकते हैं, कौन से संदर्भ हो सकते हैं, या अपने स्थितिवश, जैसे मान लीजिए कोई खुशी का माहौल है, कोई जन्मदिन का माहौल है, विवाह का माहौल है, कोई ऐसी खुशी या मांगलिक बात है, उस पर अपनी बात, उस पर हमें अपनी बात को किस प्रकार से अपने आप को बातों को कहना है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, या कहीं किसी की बीमार में या मृत्यु में या दुख के जहाँ प्रकट करना है, वहाँ की बातों को शब्दों को किस प्रकार से प्रकट करना है। तो इस प्रकार के प्रसिद्धि बस अपने शब्दों का इस्तेमाल करना, अपनी बातों को कह पाना, इन सभी के लिए उसमें बोलने का शिष्टाचार विकसित करना भी हम शिक्षकों का कार्य है। अगला बार बार गीत कविता आदि को ले एवं ताल के साथ बोलना। बालक में इस प्रकार की कौशलात्मक अभिव्यक्ति हमें करनी है कि किसी गीत है या कोई गीत है, कोई लोकगीत है, कोई कविता है आदि को वो लय एवं ताल के साथ में बोल सके, उसकी अभिव्यक्ति सुंदर ढंग से कर सके। तो जब बालक को लय एवं ताल के साथ में किसी बात को कह पाएगा तो निश्चित रूप से उसमें भाषा में एक भाषा का शिष्टाचार उसकी भाषा में हमें दृष्टि कर देगा। साथियों, आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर अगले वीडियो व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।